हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अपने घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और घर बैठे बैठे ही हमारे इस वीडियो से अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, अच्छा नोट्स तैयार कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि करंट के फ्लो होने से हीट डेवलप कैसे होता है। तो दो तीन फैक्टर है, पहले उसको समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसका फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। लेकिन थ्योरेटिकली जरा समझने की कोशिश करते हैं कि हीट डेवलप होता कैसे है करंट के फ्लो होने से। तो हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर जो भी सब्सटेंसेस होते हैं, जो भी मटेरियल होते हैं, कंडक्टर होते हैं, जो भी हीट को कैरी कर सकते हैं, जो भी हीट को कैरी करे, जो मेटल हो या नॉन मेटल हो, ठीक है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रैंडम डायरेक्शन पे मूव करते रहते हैं अपने ही जो उनका मूवमेंट है उनके हिसाब से। ठीक है, तो सपोज कीजिए ये कोई एक कंडक्टर है जो कि हीट को कैरी करता है, तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एटम्स जो भी इसके अंदर हैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे अपने ही पेरिफेरी में इधर उधर मूव करते रहते हैं। ठीक है, नॉर्मली मूव करते हैं, इनका कोई स्पीड बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है। ठीक है, अपने ही कंडीशन में वो चलते रहते हैं। लेकिन सपोज कीजिए कि या तो इसको करेंट अप्लाई कीजिए या तो फिर एक्सटर्नल हीट देकर कीजिए, लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि हीट देना है, करंट से हीट को डेवलप करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो करंट से हीट कैसे डेवलप होगा, अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टिविटी काफी ज्यादा होगा, यानी वेरी हाई होगा, हाई रेजिस्टिविटी वाले ही कंडक्टर हीट को डेवलप कर सकते हैं। क्यों डेवलप करेंगे, क्योंकि वो करंट को अपोज करते हैं। ठीक है, अब करंट को अपोज करेंगे तो क्या होगा, धक्का मुक्की होगा, अपोजिशन होगा, तो अपोजिशन होगा तो क्या होगा, उसमें हीट डेवलप होगा। ठीक है, तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, करंट इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली मूव कर रहा है। ठीक है, अब ये समझे कि हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर है, जैसे कि हम लोगों ने क्या ले लिया है, इसमें नाइक्रोम ले लिया है। ठीक है, जिसका कि रेजिस्टिविटी चार्ट हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, उसका लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप नहीं समझ में आता है या नहीं आपने देखा होगा पिछला वाला वीडियो, तो उस लिंक पे जाके वो चार्ट से इसका भी रेजिस्टिविटी चार्ट में देखकर इसको निकाल सकते हैं। तो क्या होता है कि ये जो करंट का जो फ्लो हो रहा है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि ये काफी ज्यादा हाई रेजिस्टेंस पैदा करता है, तो ये क्या करेगा, अपोज करेगा। जैसे ही अपोज करेगा तो इसका जो प्रॉपर्टी है वो क्या करेगा, हीट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में टकराव होता है। आप ये समझिए कि दो पहलवान है, दोनों के बीच में टक्कर हो गया, तो टक्कर होगा तो क्या होगा, जो मजबूत रहेगा वही जीतेगा। यानी ये क्या हो रहा है, नाइट्रॉन मजबूत है, यानी ये करंट को, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं होने दे रहा है और वो अपना ताकत लगा रहा है, गर्मी उसके अंदर से निकल रही है। ठीक है, तो वही हीट डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो इसको अब हम लोग थोड़ा मैथमेटिकली भी समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग, वर्क डन, जिससे क्या हुआ कि करंट तो अपना काम कर रहा है ना, करंट काम कर रहा है, तो वर्क डन क्या होता है, Q into V। ठीक है, Q into V, ये क्या हो गया, वर्क डन वाला, इसको इक्वेशन लिख लीजिए। तो फ्रॉम, हम लोग जानते हैं करंट का जो हम लोगों ने पढ़ा है पहले, उसमें फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ करंट और करंट I is equal to Q by T. Q by T क्यों? क्योंकि करंट का डिफरेंस होता है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ठीक है,
चार्ज फॉर, वेयर लीजर है यहाँ पे, वेयर क्यू इज द चार्ज एंड टी इज द टाइम, ठीक है, क्यू इज आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी एंड एंड फ्रॉम ओम्स लॉ, हम लोग क्या जानते हैं ओम्स लॉ, ओम्स लॉ रेजिस्टिविटी के लिए होता है, तो ओम्स लॉ आर इज इक्वल टू वी बाई आई, ठीक है, ये क्या हो जाएगा थर्ड नंबर इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अच्छा यहां से हम लोग आई तो है लेकिन हम लोग को क्या करना है, क्यू निकालना है, तो क्या करेंगे Q इज इक्वल टू आई इन टू टी, ठीक है ना, इसको लिख लीजिएगा, ये सेकंड नंबर है। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ Q एंड यहां से V निकाल लेते हैं, तो V इज इक्वल टू आई इन टू आर होता है, ठीक है, थर्ड नंबर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q एंड V, Q एंड V इन इक्वेशन वन, तो क्या हो जाएगा बताइए, चलिए प्रॉपर्टी लिख देंगे, तो वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू Q का क्या हो गया I इंटू टी इंटू वी, वी का क्या हो गया I into R, ठीक है, अब इन तीनों को जरा सा सॉर्ट कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, क्या हो जाएगा I और I क्या हो जाएगा I स्क्वायर R और T, यानी हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी, ठीक है, हीट को हम लोग डिनोट करते हैं H से, इज इक्वल टू I स्क्वायर R T, यही है, देखिए हम बोर्ड अगर नहीं दिख रहा है तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं, hence H हीट इज हीट एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, ठीक है। अब इसे तीन प्रॉपर्टी सामने आ गई, कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर वन, यानी हीट डेवलप्ड इज डायरेक्टली, यानी हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करेंट, ठीक है, मींस क्या हो गया एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, एच इज डायरेक्ट इज एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, H is directly proportional to T also, ठीक है, means क्या है, जब double heat develop is the double of current, heat is directly proportional to the resistivity या resistance of the conductor, ठीक है, and heat is directly proportional to the time taken by the charge to flow through the conductor, ठीक है। अब ये चीज जरा हम लोग समझने की कोशिश करें कि इसका यूजेस क्या है, अब ये तो क्या है, एनर्जी को ये तो बर्बाद ही कर रहा होगा, लेकिन इसका तो कहीं यूज भी है, तो यूज क्या क्या चीज में हम लोग करते हैं या किस चीज में यूज आता है, तो सबसे पहला तो ये जाने कि इस हीट को हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने में, जैसे जहां पे भी हमको हीट डेवलप करना होगा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के
के थ्रू, तो वहाँ पे इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम लोग हाई रेजिस्टिविटी कंडक्टर को यूज़ करते हैं, जैसे नाइक्रोम, टंगस्टन, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। तो यूजेस क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो मेक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, हीट डेवलपिंग इक्विपमेंट, जैसे पहला क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन में क्या होता है यूज, नाइक्रोम यूज करते हैं, ठीक है, नाइक्रोम यूज करते हैं। अब नाइक्रोम का रेजिस्टिविटी काफी ज्यादा है, वेरी हाई रेजिस्टेंस है इसका, तो जब करंट इसके थ्रू पास करता है तो क्या होता है, हीट डेवलप होता है, और उसी हीट से हमारा जो इलेक्ट्रिक आयरन है वो गर्म होता है, जिसको कि हम लोग कपड़ा प्रेस करने में यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, टंगस्टन का यूज करते हैं, टंगस्टन का यूज करते हैं कहां पे, इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में, इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में यूज करते हैं टंगस्टन का। भी रेजिस्टेंस आप लोगों ने जो रेजिस्टिविटी वाला चार्ट था उसमें देखा होगा कि उसमें भी उसका काफी रेजिस्टेंस होता है। और जब टंगस्टन का क्या प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी इसमें यह भी है जो कि नाइक्रोम में नहीं है, नाइक्रोम में जब इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज जो फ्लो करता है तो ये हीट डेवलप करता है लेकिन उतना लाइट डेवलप नहीं करता है। इसी के जस्ट अपोजिट क्या है, टंगस्टन की क्या प्रॉपर्टी है कि ये हीट भी डेवलप करता है और लाइट भी डेवलप करता है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी जब टंगस्टन के कॉइल से, वायर से जब पास करता है तो उससे हीट भी डेवलप होता है और लाइट भी डेवलप होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल बल्ब जो पहले आता था फिलामेंट वाला, जो इलेक्ट्रिकल फिलामेंट बनाने में यूज होता है, वो फिलामेंट वाला बल्ब में इसका यूज होता है। तो जैसे ही करंट पास करता है वो लाइट भी डेवलप करता है और हीट भी डेवलप करता है। तीसरा क्या चीज में यूज करते हैं, फ्यूज बनाने में। तो फ्यूज बनाने में कौन से मेटल का यूज होता है, टिन का यूज करते हैं, ठीक है। तो टिन का क्या होता है, इसका भी रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है लेकिन इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो जैसे ही करंट फ्लो करेगा, जब हाई करंट इससे जब फ्लो करने लगेगा तो इसका क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट कम है तो क्या होगा, जल्दी से ये मेल्ट कर जाएगा। जैसे ही करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, हीट डेवलप करेगा और उस हीट से ये मेल्ट कर जाता है, यानी वो क्या होता है, ब्रेक कर जाता है। आपने देखा होगा जैसे ये सपोज कीजिए कि ये फ्यूज है और ये फ्यूज है, ठीक है ना, ये फ्यूज वायर है, ठीक है, फ्यूज। तो करंट जैसे ही इसमें हाई होगा, एक तो कि पता है हमें कि कितने एम्पियर करंट हमारे हाउस होल्ड सर्किट में, या हाउस होल्ड सर्किट हम लोग कितने यूज कर रहे हैं, 15 एम्पियर 20 एम्पियर कर रहे हैं, उसके हिसाब से इसकी फ्यूज लगाएंगे उसमें। तो जैसे ही 15 एम्पियर सपोज कीजिए कि अगर हमारा कंजम्पशन है घर में और 15 एम्पियर से ज्यादा होता है तो क्या होगा, इसमें हीट डेवलप होगा क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो उस हीट से ये वायर ब्रेक कर जाएगा और हमारे घर का जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो बच जाएगा। तो इसको सेफ्टी पर्पज से भी यूज करते हैं फ्यूज को घर में, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो इसी के साथ ये जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है वो हम लोग खत्म करेंगे। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है, चाहे वो हीट से हो, रेजिस्टिविटी से हो, रेजिस्टेंस से हो, या और भी जो भी है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर आप लोग देखिए क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और उसमें आपके सारे डाउट न्यूमेरिकल से रिलेटेड सब के सब क्लियर हो जाएंगे। और आशा करते हैं कि ये जो भी हमने सेशन 7-8 क्लास का चलाया है उसमें आप लोगों ने अच्छे से अपना नोट्स तैयार किया होगा ताकि आपके आने वाले एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, वो आपकी काफी मदद करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें हम लोगों न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आपके कुछ डाउट होंगे तो उसको भी क्लियर करेंगे। तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि
उन सबको भी लाभ मिल सके घर बैठे बैठे इस लॉकडाउन के अंदर। ठीक है, थैंक यू।